नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को होता है, आरपी प्रिटेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं भेजता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इन भाई का ज़रूर एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना है और शेयर ज़रूर करना है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा, कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस अर्थ आप लोगों को शेयर ज़रूर करना है। और यदि आप लोग MCG एकेडमी का कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम फ़ोनपे अकाउंट नंबर मिल जाएगा। ओके, और धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, हर वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर 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 सुनिए। बेटा हाँ नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, जो है आपका RPF का ट्रेड टेस्ट हो गया। हेलो सर। सर, तो मैं स्टेट टेस्ट के लिए जब दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पे जिस भी तरीके से टेस्ट लिया गया वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा किया कि उसमें 80% बच्चों को क्वालिफाई किया। सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि या तो उन लोग के अपने कॉन्स्टिट्यूशन उनके उन लोगों ने रूल बनाया उस रूल में प्रॉब्लम है या उनके फॉलो करने में प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों से दुर्दशा हो गई, हम लोगों को समस्याओं को झेलना पड़ा। सर, प्रॉब्लम यही है सर कि वो 80% या 95% बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर ये एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है कि आप मुझे मैं आपके टेस्ट पे खड़ा होता सकूँ तो आप मुझे डिस्क्वालीफाई कीजिए, सही है आप। लेकिन उन्होंने सर नोटिफिकेशन में लिखा है सर, जब आप RPF जजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली ये बात लिखा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सबसे पहले चार चरण में होगा, ये चीजें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका PT होगा, उसके बाद स्टेट टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 1 लाख आपकी मेरिट बनी। सर, उसमें मेरिट लिस्ट में जो पांचवा इनका नोटिफिकेशन उसमें सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपके स्टेट टेस्ट और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दोनों को एड करके किया जाएगा। सर, उन्होंने ऐसा लिखा है और उसमें सर ये भी लिखा है आप जो है 40% मार्क्स अगर आप पाते हैं तो आप टेस्ट में क्वालिफाई हैं। सर, तो सर प्रॉब्लम ये है मुझे कि अगर वो ऐसा बोलते हैं कि CBT और टेस्ट को जोड़ के हम आपको आपके रिस्ट बनाएंगे तो किस बेसिस से बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, वो किस बेसिस से बच्चों को डिस्क्वालीफाई, अगर आप टेस्ट में बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हो तो आप मेरिट किस बेसिस से बनाओगे। और सर प्रॉब्लम ये है कि मेरिट आप किस बेसिस। दूसरा नंबर सर, अगर हेलो जी, हाँ जी सर, हाँ सर, सर सुन रहे हैं आप हमको? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं सर, कोई मैं खुद बोल रहा हूँ सर। मतलब एक्चुअल में क्या है सर, गरीब बच्चों का मतलब एक बात कुछ ऐसी है सर, हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझता जी सर। तो प्रॉब्लम ये हुई सर, मैं फिजिकल ही मैंने क्वालिफाई किया किसी भी तरीके से तो हाँ जी सर, तो 8 लास्ट में फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेरा स्टेट टेस्ट का कॉल लेटर आ, मैं दिल्ली गया था स्टेट टेस्ट के लिए।
हाँ तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं टेस्ट टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हुआ या जिस भी तरीके से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, मैं उनके एबल नहीं हूँ, चलिए ठीक है उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि टेस्ट टेस्ट में और मेरिट लिस्ट को सीबीटी टेस्ट को जोड़ के मेरी लिस्ट, ऐसा उन्होंने लिखा, ये तानाशाही शासन है सर, ये कैसा लोकतंत्र भाई, कैसा संविधान है, आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप मजाक समझे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, आप पीटी के लिए बुला रहे हैं, फिर वहां पे बुला रहे हैं टेस्ट टेस्ट के लिए बुला रहे हैं, फिर आप बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, 90% बच्चों को आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, आपका नोटिफिकेशन गलत है आपके स्टाफ का। सर मैं टोटली ये बात कहना चाहता हूँ, मैं हाई कोर्ट में या जिस भी तरीके से हो सकता है सर मैं अपील करना चाहता हूँ और मैं इस बात को आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ, जो भी इनके चेयरमैन है या जो भी इसके फाउंडर है, जिन लोगों ने जिसके भी द्वारा ये स्थापना की जाती है, जिसके द्वारा इस जॉब की प्रैक्टिस होती थी, जो भी है होती है सर, उनसे मैं बात उन तक ही बात ले जाना चाहता हूँ, आप ये तानाशाही स्थापना सर ये अच्छी बात नहीं सर, ये किस भी तरीके से आपने हिला के रख दिया मेरे पूरी फैमिली को, मेरी पूरी लाइफ को आपने हिला के रख दिया है सर। सर और सर सबसे बड़ी बात सर ये है, अगर वो बोलते हैं कि आप रोटी बनाइए आपको ये रोटी, मैं रोटी बना दो, ये बच्चों की सबसे अच्छी रोटी, इससे अच्छी रोटी नहीं बन सकती। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछते हैं भारत की राजधानी क्या, उसका एक ही जवाब है दिल्ली, उस पर एक मार्क्स मिलेगा, नो कट, उसमें कुछ कोई कट नहीं सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये फला रोटी बन गई, ये विश्व की सबसे अच्छी रोटी है, चलो भाई अभी विश्व की सबसे अच्छी रोटी है, इससे कमजोर बनाएगा अच्छी रोटी, उसको उसी हिसाब से कम मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना, सबका भोजन अलग अलग है, सब अलग तरीके से बनाएंगे, कहीं के लोगों को कुछ कुछ पसंद है, कहीं के लोगों को कुछ पसंद है, कहने का मतलब सर ये है कि आप किसी भी तरीके से ट्रेड टेस्ट में आप मार्क्स दे सकते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते ना सर, आप कम मार्क्स दीजिए, जो कम बना रहा उसको आप जीरो मार्क्स दीजिए, लेकिन जो कर रहा सर मेरा क्या हुआ था सर, मेरी रोटी भी फूल गई थी, थोड़ी सी कच्ची रह गई थी सर, और पता नहीं चीज या नहीं थी, वो 25 बच्चों से करा रहे थे, एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया सर, मैं वही खड़े खड़े रोने लगा सर, मैं 5 मिनट तक उनके रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी सर, मुझे फिर मैं समझ नहीं पाया, मैं सर हर एक तरीके से इस बात को आगे ले जाना चाहता हूँ सर, आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ भाई, अच्छी बात है, और ऐसा नहीं है, और जितने भी लोग जिस क्वालिफाई हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप जाइए और बात को समझिए, आपके साथ अन्याय हो रहा है, ये अच्छी बात है, उन्होंने नोटिफिकेशन में सीधा लिखा है और उसका गलत कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, मतलब वो एक मजाक नहीं है, वो एक जॉब देखिए आपके साथ मजाक नहीं करे, उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है, एक आके जगह पे देखिए उस स्थिति में उस फैमिली में आके गुजरिए ना आप लोग, जो वहाँ पे बड़े बड़े आप लोग बैठ के ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन देते हो फिर बाद में गलत काम करते हो आप लोग, इस तरीके से आके गरीब परिवार के बीच में रहिए ना सर आप, सबको तब तो आपको एहसास होगा ना कितनी तकलीफ होती है, किस तरीके से मैं अरेंज करके यहाँ से वहां तक गया हूँ, पूरा इंडिया भ्रमण किया हूँ, मैं हैदराबाद गया हूँ, सेकंड बार मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में मैंने क्या क्या भी संगतियां जोड़ी, मुझे डेली में रात भर पूरा जागता रहा, चोरू चक्कों से बचता रहा, किस तरीके का इलाका दिल्ली, और फिर भी मैं लगता रहा जरा चलो ठीक है टेस्ट में, टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए भाई, किस टेस्ट से आप डिस्क्वालीफाई करें ऐसा क्यों करें आप लोग सर, बिल्कुल भी आप देखो दुखी ना हो, जितना सर हमसे हेल्प हो सकती है सर मैं बिल्कुल करूंगा, और जितने भी मेरे सर ये बात दुखी की नहीं है सर, ये बात दुखी की नहीं है, सैड तो मैं बिल्कुल हूँ सर, ये तो क्लियर है, लेकिन सर मैं गलत है ये सर, सर ये बात गलत है, मैं इस बात के लिए मैं दुखी होने के साथ साथ मैं मजबूत भी हूँ इस चीज के लिए, और मैं इस चीज को बोलने लिए बढ़ाना भी चाहता हूँ आगे सर, बिल्कुल सर सर ये हाँ सर ये गलत है सर, आप नोटिफिकेशन देखिए सर, आप किसी किसी मैथ में आप बच्चों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, मजाक नहीं है सर ये, हर एक चीज मजाक नहीं है, जिस दिन मेरा रिटर्न का एग्जाम आया मैं तो खुशी से उछल पड़ा भाई, मेरे हर परिवार वाले सब लोग खुशी हुई, चलो बच्चे बच्चे का रिटर्न निकल गया, शायद अब कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं हर रोज फिजिकल के लिए इतना मेहनत किया भाई, मैं मेडिकल टेस्ट के लिए भी मैंने दिन रात मेहनत किया, चलिए आप मार्क्स कम दीजिए लेकिन आप मुझे क्वालिफाई कर रहे हैं, जब आपने सीधा सीधा लिखा कि मैं मेरी लिस्ट बनाऊंगा दोनों को जोड़ के, तो एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा अपने सभी भाइयों से सभी दोस्तों से कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस हद तक पहुंचाएं कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं या वो अपनी नासमझी से ऐसा कर रहे हैं या इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या खुद जानकर ऐसा अन्याय कर रहे हैं या जिस भी तरीके से वो इस चीज को कर रहे हैं और हम लोगों को हर्ट कर रहे हैं, हम लोगों तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गलत है, उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए, ये मजाक नहीं है सर, उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए, जब तक सर बात पहुंचेगी नहीं जब तक आवाज में भी वो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं सर, मैं हर एक तरीके से बात करता सर, मेरे पास अगर मैं किसी ना किसी तरीके से मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, मैं इसके लिए हर एक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत फैसला लिया है एंड आई एम राइट, मैं हर तरीके से जानता हूँ, आप मुझको गलत साबित कीजिए मैं उसी दिन मेरी आवाज कम हो जाएगी, आप मुझको गलत नहीं साबित कर पाएंगे, मेरी आवाज नहीं रुकेगी, अब इसके लिए सर टीम वर्क की आवश्यकता है सर, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई की आवाज आपको पहुंचाना है हर जगह, मतलब
भाई की आवाज से मतलब नहीं है भाई, मतलब देखो सीधा सीधा बात है सर, ये सभी की समस्या है, लेकिन क्या है कोई खड़े होने को तैयार नहीं है सर। सर मैं खड़ा हूँ सर ना, मैं खड़ा हूँ, मैं हर तरीके से मैं हूँ ना इसमें। अब सर अपने भाई इसमें इतना कहना चाहता हूँ, वो लोग मेरा साथ दें, मुझे प्रोटेक्ट करें, बस थोड़ा सा मुझे प्रोटेक्ट करें, आई विल क्लियर इस सर, मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा सर, क्योंकि ये गलत है सर, ये भारत है, यहाँ पे तो अच्छे चुका नहीं चला, और अब तो लोकतंत्र है, संविधान है, हमारे साथ कानून है, ऐसा कौन कर सकता है, हम लोगों के साथ गलत अन्याय कौन कर सकता है वाला। बिल्कुल ये भी आपका कहना सही सर। अच्छा कैसे होता सर, ये बड़े बड़े लोग सर जो भी हैं, इनको सिचुएशन नहीं मालूम ना सर, वो गरीब बच्चा कहाँ से गुजर के आ रहा है, उसके घर शाम को सब्जी कैसे आएगी 60 रुपए की, उसको नहीं पता है, 10,000 रुपए वो कहाँ से कर रहा है, किस नॉर्थ में साउथ में आएगा पेपर देने, उसको नहीं पता, वो उनकी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उनको सर क्या चाहिए, बच्ची को क्वालिफाई करो, बच्चों को खुश करो, बच्चों को अपने पास बुलाओ, बच्चों को डिस्क्वालीफाई करके उनको पूरा रिटर्न भेजो। ये कोई उनका सिस्टम, मतलब उन्होंने इस तरीके से उसको सेट कर लिया है एक्चुअल में। एक्चुअल में सर क्या सर, और इस तरीके से जो मेरी पहला मेरा एग्जाम क्लिक हुआ था वो आरपीएफ का था सर, इसी का एक सीआईएसएफ का भी क्लियर हुआ सर, उसमें नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें है सर, ये ऐसा कर रहे हैं और पहले एग्जाम में पहली बार में ऐसा हुआ और उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया सर। सर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं समझ लीजिए मैं दिल्ली से आ नहीं पा रहा था किसी तरीके से, मैं अभी भी मेरे ऊपर बर्डन है, मैं 15-20 हज़ार रुपये 5,000 दिल्ली जाने के लिए था, 10,000 वहां जाने के लिए लिया था, हैदराबाद जाने के लिए, मैं भी लोगों का सर जाऊँ सर, मैं भी अभी किसी तरीके से दोस्तों से पैसा मांग मांग के किसी तरीके से इकट्ठा करके मेहनत करके सर मैं गया था वहाँ पे सर, और उन लोगों ने इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया सर। प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्वालीफाई आप कीजिए, लेकिन जब मेरे अंदर वो एलिजिबिलिटी ना हो, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप क्यों ऐसा लिख रहे भाई, आप सीधा सीधा लिखे हैं तो अपनी बात पे खड़े उतरिए ना, मजाक थोड़ी ना है किसी चीज का। अब ये बात इतना यदि वो समझते तो क्या हो जाता, बहुत कुछ हो जाता, वो लोग इतना समझते तो बहुत कुछ हो जाता सर, वो लोग इतना समझते ही क्या है। वही तो सर, वही लोग, वो लोग, उन लोगों को अंदाजा नहीं था ना, हम लोग बीच से उठे रहे होते तो उनको अंदाजा था, वो डायरेक्टली होती ना विरासत हेरिटेज कार्ड हो या ना हो, वो मैटर नहीं बिलोंग करता, लेकिन उनकी भाई सोच है सर, आप खुद ही सोचिए, आप डिफरेंस ला रहे अपने सोच में, सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन में कुछ और निकला, आपको जब इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब मैं इतने बच्चों को लाऊंगा तो मुझे इतने बच्चे चाहिए, तो मैं क्यों इतने बच्चों को क्वालिफाई करूं, मैं क्यों क्यों उनको परेशान करूं भाई, मैं क्यों उनको खुशी दूं, आप एक तरीके से खुशी कर रहे हैं एक तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्यों खुशी दूं, मुझे इतने बच्चों की जरूरत है, उतने बच्चों को मैं क्यों बुलाऊं, मैं मुझे क्या जरूरत है उतने बच्चों को बुलाने की, आपको मतलब आपका जो अपना इंजीनियरिंग था, आपका जो अपना थॉट था, आपका जो अपना ओपिनियन था, आपका जो प्लान था, उस प्लान के अंतर्गत आप नहीं उतर पाए, मतलब आपकी सोच या तो कमजोर है, या तो आप इस बात को नहीं समझ पाए कि आगे क्या होगा, या तो आप समझ के गलत किए हम लोगों के साथ, दो में से तो एक प्रॉब्लम है ना सर, या तो आपने सोच के गलत किया, या तो आप उस चीज को सोच नहीं पाए, और सर जैसा भी है मजाक नहीं है सर, मजाक नहीं सर, ये हमारे साथ नहीं, हमारे जितने भाई हमको सुन रहे हैं या जितने भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझें, उनके साथ ही गलत हुआ है, उनके साथ ही गलत हुआ है, उन्होंने भी विसंगत, आप बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, फिर भी आपने, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपको जागना पड़ा, आपको भागना पड़ा, आपको दौड़ना पड़ा, और ये जो समय है जिंदगी है इसका एक एक पल का हिसाब होता है, हम कितना दौड़े कितना भागे, कभी आंख बंद करके बैठो कि मैं किस चीज के लिए कितना भागा, मुझे कितनी तकलीफ दी थी वो चीज, और वो चीज आज मुझे नहीं मिली, बहुत तकलीफ होती है सर, बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, अपने खुशी को अपने आराम को मिस करना किसी चीज के लिए बहुत बड़ी बात है, सैक्रीफाइस करना, दौड़ते भागते रहना ऊपर से अन्याय करते रहना, ये सर अच्छा नहीं है, सैक्रीफाइस नहीं हो पाता सर हर जगह, जी सर हर जगह सैक्रीफाइस नहीं कर पाते ना लोग, जी वही सर ना, सैक्रीफाइस मैं अपने लिए करा, अपनी ड्यूटी के लिए कर, मतलब जो मुझे पाना है मैं उस चीज के लिए सैक्रीफाइस किया, मुझे टेस्ट देने था, मैंने मेहनत किया, मैंने पैसा इकट्ठा किया, ये मेरा सैक्रीफाइस है, अब भाई आप मुझे बनाकर मुझे बुलाकर आप डिस्क्वालीफाई करो, मैं सैक्रीफाइस करूँ कि नहीं, मैं डिस्क्वालीफाई, ये सैक्रीफाइस हो तो दूसरी सैक्रीफाइस हो गई, वो तो आपका तानाशाही शासन हो गया, सैक्रीफाइस तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ ना, खुद के लिए कर सकते, आपके लिए मैं क्या सैक्रीफाइस करूँ, आप तो मेरे साथ गलत कर रहे हो ना, आपके लिए मैं क्या सैक्रीफाइस करूँ, ये भी क्यों मैं सैक्रीफाइस करूँ, जी बिल्कुल सही है, बस इसके लिए बस मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि आप ही लोग सपोर्ट करें, क्योंकि सर देखो आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा होता है, इसको कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है, कोई भी फेंक सकता है, मतलब समझ रहे पौधे को, लेकिन तुमने कभी भी देखा है कोई बरगद के पेड़ को उखाड़ के फेंका हो, नहीं होता ना,
वही ना सर, वही सर ना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं प्लीज बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। और सर अगर हमें ना समझ पाए हो, हमें ना सुन पाए हो, तो दोबारा आप मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए सर। मेरा नंबर भी आपको मैं सेंड कर दूंगा सर। और अब मेरे भाई जो मुझे ना समझ पाओ मुझसे बात करी, मैं थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूँ, इस वजह से आप यार लोग ना समझ पाए, या जैसा भी हो तो मुझसे डायरेक्टली बात करें। आप लोगों के साथ गलत हो रहा, हमारे साथ गलत हो रहा, देश के साथ गलत हो रहा, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये बहुत से बहुत सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, आपकी पूरी फैमिली के साथ हुआ है, आपके पूरे समाज के साथ, आपके पूरे कंट्री के साथ, पूरे देश के साथ भी विश्वासघात हुआ भाई। विश्वासघात ही है सर, विश्वासघात है सर, ये विश्वासघात है भाई। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मजाक थोड़ी ना सर। 10 रुपया इकट्ठा करना होता कैसे आता है वो तो हम जानते हैं ना। बिल्कुल सही, ये बात तो सर आपका है ना, बिल्कुल क्लियर है। इसमें सर अब मैं कितना सब कुछ, मैं सभी बच्चों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि सर का सपोर्ट करने में बिल्कुल अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि सर अब भी यदि अपन पीछे हटते रहे तो फिर आगे आने का मौका भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो आप बोल भी रहे हो और बंदे तो बोलते भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? आप तो बोल भी रहे हो और बंदे तो बोलते भी नहीं है, तो बोलना एक बहुत बड़ी बात है। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं जिस भी तरीके से मेरा विरोध करे ना, अगर ताकत है किसी के अंदर तो मेरे इस बात का विरोध करे, मेरा विरोध करे, मेरी इस बात का विरोध करे तो गलत साबित करे, बताए। ये बात भी तो कह रहा हूँ मैं, अगर किसी के अंदर हिम्मत है भाई, आप कानून की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ताकत की बात कर रहा हूँ कि आप आके बात कीजिए ना मुझसे, आप मुझे डिफीट कीजिए, आप मेरी बात को गलत साबित कीजिए ना सर, मेरी बात को आप गलत साबित कीजिए, मैं वहीं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले गलत तो साबित कीजिए। आप लोग फिर आप लोग खुद गलत साबित गलत कर रहे हैं, तो मैं सही करने में क्यों डरूं भाई, मैं क्यों डरूं सर। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हाई कोर्ट में अपील करना चाहता हूं, मैं जिस भी तरीके से होगा मैं सर पूरी कोशिश करूंगा इस बात को आगे ले जाने के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बस सब लोग मेरा सपोर्ट करें, भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, सब लोग मेरा सपोर्ट करें थोड़ा सा। सभी से मेरा भी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट जरूर 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 करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है और हो भी रहा है, आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब होने वाला या होगा, इन केस फ्यूचर नॉट, आपके साथ प्रेजेंट में भी हो रहा है लेकिन आप लोग देख नहीं पा रहे हो, कारण दुनिया मतलब मैं खोई हुई है सर, एक्चुअल में इनडायरेक्टली हो रही सर, वो इनडायरेक्टली आपका शोषण कर रहे हैं। पहले क्या होता था ताना शाही शासन था, डायरेक्टली आपको शोषित कर लिया जाता था डायरेक्टली, हाँ ये हो गया चलो। अब क्या है, अब ताना शाही शासन नहीं रहा, अब वो अब नहीं वो चीज नहीं रहा, तो अब इनडायरेक्टली ना लूट रहे लोगों, इनडायरेक्टली सबको मोटिवेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसको खुद को उनको बेवकूफ बना के खुद को टैलेंटेड समझ रहे हैं सर, खुद को टैलेंटेड समझ रहे हैं, उनको बेवकूफ बना के, सर बेवकूफ बनाने वाली बात ही तो है सर, बिल्कुल सर आपने मतलब बात में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल है, मैं आपसे कैसे बोलूं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस सत्य बस आपका इतना ही है कि प्लीज बंदों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई को सपोर्ट जरूर 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 करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने क्या धन्यवाद सर, मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि यदि आप, मैं सभी बंदों से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे मैं बोल रहा हूँ मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस सर प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करना, जरूर 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 करना, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप शेयर जरूर करना, जिससे आवाज़ पहुंच सके मेरा एक ही। अब इस वीडियो हर वीडियो में मेरा पर्पज रहता है कुछ ना कुछ लाइक मतलब शेयर ऐसा कुछ आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप वीडियो को शेयर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप सभी के साथ हो रहा है और ये एक आवाज़ है जो एक व्यक्ति के द्वारा खड़ी की जा रही है, लेकिन यदि आप उसमें घी का काम नहीं करोगे, जितने ही बच्चे हैं यदि घी नहीं डालोगे तो ये बुझ जाएगी, बिल्कुल सही है ना सर। हाँ सर बिल्कुल सही सर, मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक भाइयों का सपोर्ट नहीं, मेरे दोस्तों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता सर, आई कांट नथिंग सर। आपका सर 142 नंबर का वीडियो आएगा, मैं आपको अभी क्लियर करूँ सर, रेगुलर आपके पास कहीं से भी मोबाइल मिलता रहे तो 142 वाले वीडियो क्या है देखते रहना और कमेंट्स को अपने हिसाब से रिप्लाई करना, मतलब जो कुछ भी हो, जितने ही बच्चे बोले कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी हो मतलब उनको कन्वेंस करना और इकट्ठे कर लो। मैं खुद बोल रहा हूँ हाई कोर्ट में अपील करने का प्रोसेस ही मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस में कुछ खास पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है सर, अप्लाई करने के लिए बस सर, तो उसकी एक छोटी सी पॉलिसी ये रहती है कि कम से कम जितना भी मतलब बच्चों के साथ हो रहा है, कम से कम उसका 1% बच्चा आपके साथ होना चाहिए, मतलब कम से कम 1300 बच्चा आपके साथ होना चाहिए, यदि 13000 बच्चे हुए हैं तो 800 वो मान ली, कम से कम आपको 1000 से ऊपर बच्चे आपको चाहिए, तो जितने ही बच्चे हैं, सिर्फ मैं बच्चों से वो कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ भाई के साथ खड़े हो जाइए,
बाकायदा आगे का कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं गाइड करता रहूँगा। मैं भी आपको एक्चुअल बताता हूँ, ओनली 1% की आपको आवश्यकता होती है यदि आप किसी भी सरकारी चीज़ पर अपना अपील करना चाहते हो तो, समझ रहे हो? और यदि आप नॉर्मल अपनी प्रॉपर्टी पर अपील करना चाहते हो तो किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये सरकारी चीज़ है, सरकार पे आप एक तरीके से अपील कर रहे हो, समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसके लिए जिस क्षेत्र में कर रहे हो उसका आपको 1% लोगों की तो कम से कम आवश्यकता होती है, ये मिनिमम रेंज है। और बस इसमें हमारा पर्सनली कुछ नहीं सर, मेरा भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है, देश का जा रहा है, सबका नुकसान हो रहा है सर। उस चीज को आप जागरूक हो, शिक्षक शिक्षक होने का एक ही मतलब नहीं है सर, पढ़ लिखे घर में जाओ, आप उस बात को समझो, आपके साथ क्या हो रहा है इस बात को समझने की कोशिश करो। और आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप ये साबित करते हैं कि आप भाई आप शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं, आप बात को नहीं समझ रहे हैं सर जो आपके साथ हो रहा है। आप जागरूक बनिए, बात को समझिए और इसलिए इस सच्ची बात का सपोर्ट कीजिए। मेरा सपोर्ट मत कीजिए सर, आप लोग मेरा सपोर्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप इस बात का सपोर्ट कीजिए, इस आवाज का सपोर्ट कीजिए जो उन लोगों ने मुझसे उठवाई है, जो उन लोगों ने ऐसा किया है वो सर इस बात का आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर ये बात आप लोगों को सही लगे सर। बिल्कुल सर, सर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अपना वीडियो का नंबर ध्यान रखना 142। ओके सर, 142 सर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है इतना अच्छा आवाज रखा है और मैं भी इसमें आपको फुल सपोर्ट करूंगा, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।